तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, HVAC का अप्रोच टेम्परेचर। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठो HVAC से रिलेटेड, वो आपसे अप्रोच टेम्परेचर पूछेंगे, ठीक है? चाहे आप डोमेस्टिक के लिए बैठो या फॉरेन के लिए बैठो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह से मैं बताऊँगा कि आप ज़िंदगी भर कभी नहीं बोलोगे, ठीक है? तो अप्रोच टेम्परेचर सबसे पहले अगर वो पूछता है, तो अगर आप सामने से काउंटर करते हो कि सर इवापोरेटर अप्रोच टेम्परेचर या कंडेंसर अप्रोच टेम्परेचर, तो उससे समझ जाएगा कि हाँ इसको कुछ ना कुछ इसके बारे में आता है, ठीक है? तो देखते हैं, अप्रोच टेम्परेचर सिंपली डिफरेंस होता है टेम्परेचर का और उसमें भी वो आउटगोइंग टेम्परेचर का, ठीक है? उसको नहीं देखना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो देखिए, इवापोरेटर अप्रोच टेम्परेचर, ठीक है? ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है लिविंग चील्ड वाटर टेम्परेचर माइनस सेचूरेटेड रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर टेम्परेचर, ठीक है? अब ये इवापोरेटर है, तो इवापोरेटर पे आपको फोकस करना है कि इवापोरेटर कौन सा है, ठीक है? इवापोरेटर से आपका एक चील वाटर जाता है जो एचयू में जाता है, ठीक है? ठंडा होकर के एचयू में जाता है, जहाँ पे वो फिर से मतलब कि एयर को ठंडा करता है, ठीक है? ये इतना तो माइंड में रहेगा ना कि इवापोरेटर से ही चिल्ड वाटर जाता है, ठीक है? और इवापोरेटर में क्या आता है हमारा, एक्सपेंशन बल्ब से रेफ्रिजरेंट आता है। कौन सा रेफ्रिजरेंट आता है, ये ठंडा होता है और ये यहाँ पे गर्म होकर के कंप्रेसर में जाता है। समझ में आई बात? तो इसका जो मुझे याद रखना है, इवापोरेटर को माइंड में रख करके लिविंग चिल्ड वाटर टेम्परेचर, जो चिलिंग के लिए जाता है वाटर, उसका टेम्परेचर माइनस जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से आउट होता है कंप्रेसर के लिए, उसका टेम्परेचर, ठीक है? इसलिए मैं लिख दिया हूँ 1 और 2, 1 माइनस 2। समझ में आई बात? फिर से मैं बता रहा हूँ, लिविंग चिल्ड वाटर टेम्परेचर जो लिव करता, दोनों में लिव का कंडीशन, यहाँ से भी आउट हो रहा है, यहाँ से भी आउट हो रहा है, इसी दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस। एक क्या होगा इवापोरेटर में, चिल वाटर बाहर होगा आउट होगा, और दूसरा क्या होगा, रेफ्रिजरेंट होगा आउट, किस में जाएगा, कंप्रेसर के लिए, ठीक है? तो ये दोनों का डिफरेंस हमारा इवापोरेटर अप्रोच टेम्परेचर होता है। ये मेनली इसका जो इम्पैक्ट होता है वो मैं बता रहा हूँ, मेनली 0 से 2 सेंटीग्रेड तक इसका डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा आता है तो आपका जो चिल्लर जो है वो निगेटिवली इफ़ेक्टेड है। तो कंप्रेसर जिस तरह से कंप्रेसर का कैपेसिटी है, वो उतना कैपेसिटी डिलीवर नहीं कर पाएगा। और इसका रीज़न क्या हो सकता है, रेफ्रिजरेंट का लॉस होगा इस कारण से ऐसा है, या हाई फॉलिंग, फॉलिंग मतलब कि गंदगी जम गया है वाटर लाइन में, ठीक है, उसके कारण है, या उसके मतलब कि ट्यूब जो है उस लाइन में गंदगी जम गया इस कारण से ऐसा है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस इतना इससे ज़्यादा आता है, ठीक है? या हमारा जो है अनबैलेंस रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, इन द चिलर, किस कारण से, लेवल सेंसर उसके कारण से, या फॉल्ट हो गया सेंसर में, या एक्सपेंशन बल्ब, ये कंट्रोल इश्यू है इसके कारण से। अब मैं कंडेंसर अप्रोच टेम्परेचर बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें भी कंडेंसर अप्रोच टेम्परेचर है, तो कंडेंसर को माइंड में रखना है, ठीक है? इसमें भी दोनों में आउटिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। एक क्या होता है कि कंप्रेसर से हमारा रेफ्रिजरेंट गर्म होकर के कंडेंसर में जाएगा, फिर कंडेंसर से एक्सपेंशन बल्ब में, फिर इवापोरेटर में, इतना पता है ना आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ से जो आउटलेट होगा, जो एक्सपेंशन बल्ब के लिए जो जाएगा, एक्सपेंशन बल्ब के लिए जो जाता है क्या जाएगा, रेफ्रिजरेंट, वो उसका टेम्परेचर, और ये जो वाटर चिल कूलिंग टावर से जो वाटर आता है ठंडा करने के लिए, उसका जो आउटलेट का टेम्परेचर होगा, दोनों का डिफरेंस यहाँ मैं लिख दिया हूँ 1 और 2। तो आपको समझ जाना है कि ये माइनस ये। तो अब देखिए, आपको माइंड में क्या रखना है, कंडेंसर को माइंड में रखना है, ठीक है? और दोनों का आउटिंग टेम्परेचर, ये हमारा कौन सा हो गया, रेफ्रिजरेंट आउटिंग टेम्परेचर, और माइनस जो कूलिंग वाटर आउटिंग टेम्परेचर उसका डिफरेंस, ठीक है? मैं यहाँ लिख दिया हूँ
सेचूरेटेड रेफ्रिजरेंट कंडेंसिंग टेम्परेचर, कंडेंसिंग ठंडा वाला इसलिए कंडेंसिंग टेम्परेचर लिखा, माइनस लिविंग कंडेंसर वाटर टेम्परेचर, लिविंग कंडेंसर वाटर टेम्परेचर, ये लीव करता ना यहाँ से, यहाँ से आएगा कूलिंग टावर से, यहाँ से जाता है तो उसका टेम्परेचर, ठीक है। इसका मेनली कितना होता है, टू से जीरो से 2.5 या 0.5 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है, इतना चलेगा। तो अगर ये ज़्यादा होता है तो रीजन क्या है, वही है रीजन है फॉलिंग हो गया है, ठीक है, वाटर सर्किट में हमारा, या लॉस ऑफ रेफ्रिजरेंट हुआ है, या अनबैलेंस रेफ्रिजरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। किस कारण से, फॉल्टी लेवल सेंसर, लेवल सेंसर जो है ना हमारा फॉल्ट है इस कारण से, या एक्सपेंशन वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा इस कारण से, या कि कंट्रोल जो है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो देख करके, अगर समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप HVAC से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं HVAC पे, अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाके देखेंगे। इंटरव्यू के लिए और जो भी नए एस्पिरेंट हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।